हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम, लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम विद मी विद रीतु। अगर आप लोग बिहार की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, करने के बारे में अगर सोच भी रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी को जुड़ जाना है, हमारे साथ जुड़ना है अन अकेडमी के साथ, क्योंकि अन अकेडमी आपको प्रोवाइड करती है टॉप एजुकेटर, टॉप फैकल्टी जो आपके एग्जाम को सफल बनाने में आपकी मदद करते हैं। अगर आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरा नाम है रितु, मैंने एमएससी मैथ से किया हुआ है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 2 साल से ज़्यादा का है, 50,000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने मेंटर किया है और 2 बारी मैं यूपीएससी मेन्स में अपीयर हुई हूँ। ये है अबाउट मी जो आप सभी लोग यहाँ से जान सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ तो आप सभी लोग, जो भी जिसने भी अभी एग्जाम दिया है, जिसको लग रहा है कि हाँ मेरा पीटी का एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसके लिए अन अकेडमी लेके आई है 2 मंथ का मेंस का बैच। मेंस का बैच ये है लक्ष्य बीपीएससी, तो लक्ष्य बीपीएससी इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ये 60 डेज का बैच होगा और हिंदी मीडियम के लिए है, आप लोगों के लिए। और इसके बाद बात करूं तो दूसरा एक बैच है विजय बीपीएससी, ये फाउंडेशन बैच है बीपीएससी का। प्रीलिम्स और मेंस इसमें दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। ये 60 डेज वाला तो उनके लिए है जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है और उनका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा उनको लगता है, उनके अच्छा एग्जाम हुआ है। तो जो भी मेंस चाहते हैं कि हाँ हमारा क्लियर हो जाएगा, हम मेंस देना चाहते हैं, हम मेंस देंगे इस बार, उनको कॉन्फिडेंस है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं इसको। ये 60 डेज का यानी कि 2 मंथ का कोर्स है, तो आप परचेज कर सकते हैं। विजय बीपीएससी की बात करूं तो ये 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, 5 जनवरी। सबसे पहले तो आपको एक और इन्फॉर्मेशन बताऊं, 22 दिसंबर से एक पहले बैच स्टार्ट हो चुका है बीपीएससी प्रीलिम्स और कम मेंस का। प्रीलिम्स और मेंस का 67th प्रीलिम्स स्ट्रेटजी का, प्रीलिम्स का और मेंस का, ये 22 दिसंबर से हुआ। फिर एक हुआ है 29 दिसंबर से, 22 दिसंबर के बाद 29 दिसंबर से हुआ है, और एक ये हुआ है 5 जनवरी से, यानी कि आपका 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ है ये कोर्स। तो आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, जो भी लेना चाहते हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, वो कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बीपीएससी का सब्सक्रिप्शन लोगे, जो भी कोई, आप ये 22 दिसंबर वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो और 29 दिसंबर वाला, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही बैच में इनरोल कर पाओगे, आप जिस भी बैच में इनरोल करते हो आपकी मर्जी है, जहां आपका मन करे वहीं कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप पहले तो चेक कर लीजिए सब्सक्रिप्शन लेने से पहले कि कौन कौन से एजुकेटर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही चेक कर लीजिएगा, फिर सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपके सारे डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तब तक कोई फायदा नहीं है। ये तो मेगा टेस्ट सीरीज सेशन चला था, बिहार दरोगा का और बिहार बीपीएससी का भी चला था, तो आप सभी लोगों ने अटेंड किया होगा। और 5 जनवरी को ये आपका बैच स्टार्ट हुआ है, 10 जुलाई 2021 को ये कंप्लीट हो जाएगा, ये प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराई जाएगी। प्लस का बैच है, तो जो भी कोई इंटरेस्टेड है, लेना चाहते हैं, आप लोगों को क्या क्या मिलेगा ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, क्या क्या आपको मिलेगा। आपको हम लोग क्यों कह रहे हैं कि प्लस आपको ज्वाइन करना चाहिए, तो देखिए ये है फ्री क्लासेस एक साइड, एक साइड है प्लस क्लासेस। फ्री क्लासेस में आपको लिमिटेड लिमिटेड मिलता है, लिमिटेड आपको सिलेबस मिलता है, लिमिटेड आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, ओकेशनल पीडीएफ मिलती है आपको, और लिमिटेड डाउट सेशन होते हैं यहाँ पे। लेकिन प्लस में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाता है, यहाँ पे अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, अनलिमिटेड पीडीएफ मिलती है, नोट्स मिलते हैं, और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करवाए जाते हैं, वो भी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपके सभी डाउट्स क्लियर करवाए जाएंगे यहाँ पे। तो इसलिए आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं प्लस। अब बात करते हैं हाउ टू गेट एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन।
सबसे पहले आपको अपना गोल सिलेक्ट करना है। आपका गोल है बीपीएससी, सिलेक्ट करोगे फिर ये गेट सब्सक्रिप्शन आपको दिख रहा है, इस गेट सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक करोगे और इस गेट सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक करते ही पहुंच जाओगे कहाँ, ये तो बेनिफिट्स दे रखे हैं, इस वाले फेज पे पहुंच जाओगे। तो ये जो बॉक्स दिया गया है ए रेफरल कोड, इस बॉक्स में आपको छोटा सा कोड यूज कर देना है IEETU RITUYT, छोटा सा कोड यूज कर देना IEETU RITUYT, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 10% डिस्काउंट के साथ साथ आप लोगों को मिलेगी मेरी प्रॉपर वे में गाइडेंस, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को किस प्रकार से और कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना ही चाहते हैं, मन बना चुके हैं, तो या तो लीजिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन या फिर 2 साल का, इन्हीं दोनों में आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है, मिल सकता है, वरना आपको नहीं मिलेगा। खुद से आप समझदार हैं, देख सकते हैं 6 मंथ के और 12 मंथ के में कुछ खास अंतर नहीं है। 7,200 रुपए 6 मंथ का है, 12 मंथ का 8,800 रुपए है, 24 मंथ का 12,800 रुपए है यहाँ पे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। 12 1 साल के में 8,800 रुपए पे करने होंगे, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए 12,800 रुपए आपको पे करने होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है हमारा बैच कोर्स 12 मंथ और 24 मंथ का, तो आप सभी लोग ले सकते हैं 12 मंथ या 24 मंथ दोनों का। जिसने 12th की है उसके लिए तो 2 साल का ही सब्सक्रिप्शन बिल्कुल सही रहेगा, उसके लिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन बहुत सही रहेगा। जिसने अभी 12th किया वो चाहता है बीपीएससी की तैयारी करना, तो उसके लिए 2 साल का, वैसे मैं आपको कहूंगी कि आप 1 साल का ले लीजिए, क्योंकि आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन, जिसको थोड़ी नॉलेज है उसके लिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन काफी ठीक रहेगा। तो चलिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, ले सकते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन। ये सब कुछ आपको बताया, हाउ टू अटेंड लाइव क्लासेस सभी को बताया, कैसे अटेंड करनी है, डाउनलोड पीडीएफ कैसे करनी है। जैसे ही अनअकैडमी की क्लास कंप्लीट होती है उसके नीचे व्यू पीडीएफ का जो ऑप्शन मिलता है उससे आप क्लास को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं हाउ टू क्लियर डाउट्स, तो यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन चलता है, तो अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का सेशन। और आज का हमारा सेशन है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आज का जो हमारा सेशन है वो क्या होने वाला है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो आप सभी लोग जुड़िए, सॉरी जुड़िए तो क्या, ये तो हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं, लाइव क्लास नहीं नहीं चल रही है, क्योंकि उसमें बोलते हैं ना चल जल्दी जल्दी से आप सभी लोग छूट जाइए, तो वही ध्यान रहा, कोई बात नहीं, ये आपको प्रीमायर में हो जाएगी क्लास, तो आपको मिल जाएगी, तो आप सभी लोग एंजॉय कीजिएगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वो आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज का जो हमारा सेशन होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, दोनों मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, आप सभी को मैं उस सेशन में भी बताई थी कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, किस प्रकार से इन थ्योरी का, प्लेट टेक्टोनिक का और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का योगदान है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमारी क्या कहती है, प्लेट टेक्टोनिक आखिर प्लेट है क्या, सबसे पहले तो यही जानेंगे, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या क्या बातें कहती है, सबसे पहले ये जानेंगे। सबसे पहले तो प्लेट, प्लेट जो है ये प्लेट आखिर है क्या, प्लेट आखिर है क्या, सबसे पहले तो मैं यही जानेंगे कि प्लेट आखिर है क्या। तो प्लेट क्या है, प्लेट है एक पार्ट है, किसका, लिथोस्फीयर का पार्ट है, किसका, प्लेट क्या है, प्लेट एक लिथोस्फीयर का पार्ट है। प्लेट कुछ ऐसे नहीं जो आप सोच रहे हो कि खाना खाने वाली प्लेट, ऐसी प्लेट नहीं, प्लेट क्या है, तो प्लेट है एक लिथोस्फीयर का पार्ट है। पहले तो ये जानते हैं कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है किसके द्वारा दी गई, इस प्रकार के वो जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये जानिएगा, प्लेट जो शब्द है, प्लेट बाद में बताऊंगी क्या है, पहले सुनिएगा यहाँ पे प्लेट। सबसे पहले तो ये जो प्लेट शब्द है, क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो प्लेट शब्द है ये किसके द्वारा किया दिया गया, प्लेट
प्लेट शब्द दिया गया टूजो विल्सन के द्वारा, किसके द्वारा, टूजो विल्सन के द्वारा सर्वप्रथम प्लेट शब्द को दिया गया। ध्यान रखोगे प्लेट शब्द किसके द्वारा दिया गया, टूजो विल्सन के द्वारा प्लेट शब्द को दिया गया। अब ये प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी शब्द की जो संकल्पना है वो किसने दी, संकल्पना कहूं या फिर ये कहूं इसका प्रपोजल किसने दिया, तो प्रपोजल दिया इसका, इसकी संकल्पना दी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी शब्द की संकल्पना, शब्द की जो संकल्पना है इसका जो प्रपोजल है वो किसके द्वारा दिया गया, ये किसके द्वारा, तो ये दिया गया मार्गन के द्वारा, ये किसके द्वारा, मार्गन के द्वारा दिया गया। लेकिन इसका प्रपोजल तो मार्गन ने दिया, लेकिन इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को जो प्रकाशित किया वो एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया, इसको प्रकाशित किसके द्वारा किया गया, विल्सन, प्रकाशित किया गया विल्सन, मैकेंजी, मैकेंजी और पार्कर के द्वारा, विल्सन मैकेंजी और पार्कर के द्वारा इसका क्या कि इसको क्या किया गया, प्रकाशित। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना, प्लेट शब्द आखिर किसके द्वारा दिया गया, प्लेट शब्द दिया गया टूजो विल्सन के द्वारा। प्लेट क्या है अभी तक मैंने नहीं बताया, बताऊंगी अभी, रुकना आप सुनते चलना बस। प्लेट शब्द दिया गया टूजो विल्सन के द्वारा, प्लेट विवर्तनिकी शब्द की जो संकल्पना दी इसका जो प्रपोजल दिया वो दिया मार्कर ने, इसको प्रकाशित किया विल्सन मैकेंजी और पार्कर के द्वारा। अब सुनना, इस सिद्धांत को, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। अब एक व्यक्ति को क्यों नहीं दिया जाता है इसको प्रकाशित करने का श्रेय, क्योंकि इसमें ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो आपको पीछे लेक्चर में मैं पढ़ाई हूँ वो वाली, और पूरा चुंबक अध्ययन और सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत ये आपको अभी इसमें नहीं पढ़ाऊंगी, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगी, पूरा चुंबक अध्ययन ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगी, अभी ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा चुकी हूँ। ये क्या है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का सम्मिलित रूप है ही, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत इसका ही सम्मिलित रूप है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का ही है। तो इसलिए 1967 में मैकेंजी मॉर्गन और पार्कर, विल्सन मैकेंजी और पार्कर ने पूर्व के उपलब्ध विचारों को संवित कर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया, इसको प्रकाशित किया विल्सन मैकेंजी और पार्कर के द्वारा, विल्सन मैकेंजी और पार्कर के द्वारा इसका क्या किया गया, इन सभी के द्वारा मिलके इसको क्या किया गया, इसका प्रतिपादन किया गया। ध्यान रखोगे, अब जानते हैं कि आखिर ये प्लेट क्या है, प्लेट किसे कहते हैं, प्रश्न, प्लेट सुनना, क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से निर्मित 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर मोटाई की ठोस परत अर्थात स्थल मंडल के व्यर्थ खंड को क्या कहते हैं, प्लेट। आपको समझ नहीं आया शायद, शायद क्या नहीं आया, तो मैं आपको इजी सी लैंग्वेज में समझाती हूँ। यहाँ देखना, यहाँ समझना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ये जो दी गई है ये क्या है, ये है प्लेट, ये बहुत सारी प्लेट दिख रही है हमें, छोटी भी दिख रही है कुछ, कुछ बड़ी भी दिख रही है। छोटी प्लेटों की संख्या बहुत ज्यादा है, बड़ी प्लेटों की संख्या की बात करूं तो 6 भी बता दी जाती है, 7 भी और 8 भी, तीनों की बात करेंगे, 6 कब होती है, 7 कब होती है, 8 कब होती है, कैसे इनकी गिनती की जाती है। तो ये बड़ी प्लेटें, छोटी प्लेटें बहुत सारी है, इसलिए छोटी प्लेटें हमें याद नहीं रखनी है, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये आप लोग देख रहे हो ना, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन, ये क्या है, प्लेट है। आखिर ये है क्या, प्लेट, प्लेट है क्या, यही हम लोग जानेंगे। और ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है, इन प्लेटों का जो मूवमेंट है उसी की स्टडी ही है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी।
तो सभी पॉइंट से जानेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति में इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का क्या रोल रहा है, जो ये एंडीज रॉकी पर्वत श्रृंखला है इनमें इसका क्या रोल रहा है। हमें तो मैं तो अभी हिमालय पढ़ाऊंगी, तो हिमालय में जानिए क्या इसका रोल रहा है, किस प्रकार से हिमालय के रोल में, हिमालय बनने में इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने योगदान दिया है, किस प्रकार से क्या योगदान दिया, सभी बातें जानेंगे हम लोग। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आखिर प्लेट आखिर क्या है। तो प्लेट यहाँ समझिएगा, ये हमारी क्या है, गोल पृथ्वी है, और इस पृथ्वी का हमने एक टुकड़ा काट लिया है, ये टुकड़ा हमने काट लिया, ये हमारी पृथ्वी थी, पृथ्वी का एक टुकड़ा हमने काट लिया है, ठीक है, टुकड़ा काट लिया। सबसे ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, ऊपर हम लोग देखते हैं क्रस्ट, ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, क्रस्ट देखते हैं, क्रस्ट जो क्या है, ठीक है, क्रस्ट देखते हैं। क्रस्ट को ही हम लोग हिंदी में क्या कह देते हैं, भूपरपटी, क्या कह देते हैं, भूपरपटी, भूपरपटी क्रस्ट होती है। फिर उसके बाद मेंटल आता है, मेंटल को प्रवार कहते हैं, और फिर कोर आता है, कोर को क्रोड कहते हैं हिंदी में। तो हमें सिर्फ, मैं आपको प्लेट बताना चाह रही हूँ, ये आपको बाद में भी जब हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाऊंगी तब भी बताऊंगी, अभी सिर्फ आपको प्लेट क्लियर करूंगी कि आखिर प्लेट है क्या। तो ये भूपरपटी है, ये क्रस्ट है, और ये है मेंटल, ये है मेंटल, और ये है कोर, कोर ये क्या है, ये कोर है, यहां से यहां तक लेके ये कोर है, ये क्या है, कोर है, यहाँ से यहाँ तक ये मेंटल है, और ये इतनी सी क्या है, इतनी सी ये क्या है, तो ये है क्रस्ट, क्रस्ट। और वैसे बात करूं तो लिथोस्फीयर क्या है, अब लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर क्रस्ट, क्रस्ट का और अपर मेंटल का सॉलिड भाग, अपर मेंटल क्रस्ट ले लो पूरी की पूरी, और मेंटल का ऊपरी ऊपरी भाग जो है वो किसके अंदर आएगा, लिथोस्फीयर के अंदर आएगा, लिथोस्फीयर के अंदर आएगा। लिथोस्फीयर को हिंदी में कह देते हैं स्थल मंडल, किसके अंदर आएगा, स्थल मंडल के अंदर, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। फिर एस्थेनोस्फीयर आएगा, एस्थेनोस्फीयर आएगा, एस्थेनोस्फीयर को कहते हैं दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल, ये एस्थेनोस्फीयर। देखो यहां पे देखना, क्रस्ट जो है, क्रस्ट जो है ये कैसी फॉर्म में है, तो क्रस्ट है सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में क्रस्ट, सॉलिड। मेंटल की बात करूं, मेंटल है यहां पे किस फॉर्म में, तो मेंटल है सेमी सॉलिड फॉर्म में, किस प्रकार की फॉर्म में है ये सेमी सॉलिड फॉर्म में है, ये है सेमी सॉलिड, ये प्लास्टिक स्टेज है में है। और जैसे कि हमारा शहद होता है गाढ़ा गाढ़ा बहुत ज्यादा, तो वो वाली प्लास्टिक स्टेज में मेंटल है। फिर इसके बाद कोर आता है, कोर, अपर कोर जो है वो लिक्विड स्टेज में, और इनर कोर सॉलिड स्टेट में है। इनसे हमें खैर कोई लेना देना नहीं है, इनको बाद में पढ़ाएंगे, जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाऊंगी तब बताऊं। अभी आपको प्लेट क्लियर करना चाह रही हूं मैं कि आखिर प्लेट क्या है, प्लेट क्या है। यहाँ पीछे हमने, मैंने डेफिनेशन दिखाई आपको, डेफिनेशन क्या कह रही थी, डेफिनेशन क्या कह रही थी, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से निर्मित 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की मोटाई की ठोस परत स्थल मंडल के वैध खंड को, कैसे खंड को, वैध खंड को, व्यर्थ बड़े से टुकड़े को प्लेट कहते हैं, प्लेट कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्थल मंडल है, हमारा जो स्थल मंडल है, जो हमारा लिथोस्फीयर है, जो हमारा लिथोस्फीयर, ये क्या है, ये यू समझ लो बहुत जाके छोटी प्लेट है, तो बहुत सारी से, और बड़ी प्लेटों से 6 कहो 7 कहो या 8 कहो इन प्लेटों से निर्मित है ये, बड़ी प्लेट 6 कह लो 7 कह लो 8 कह लो आपकी मर्जी। वैसे मोस्टली हम लोग 7 काउंट करते हैं, तो 7 भी बताऊंगी कि 7 कैसे हैं, 6 कैसे हैं, 8 कैसे हैं। कभी भी एग्जाम में आ जाए तो 7 टिक करोगी कि 7 प्लेटें हैं हमारी, ठीक है। तो
ये लिथोस्फियर जो हो गई, कौन सी हो गई, तो क्रस्ट और अपर मेंटल का, मेंटल पूरी मेंटल नहीं, मेंटल का भी परिवार का ऊपर ऊपर वाला हिस्सा ही किस में आता है, तो इस लिथोस्फियर में आता है, स्थलमंडल में आता है, ध्यान रखोगे। अब एक बात ध्यान रखना, मैंने बताया कि प्लेट आखिर है क्या, प्लेट क्या है, तो प्लेट की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, प्लेट है ए पार्ट ऑफ लिथोस्फियर, क्या है, पार्ट ऑफ लिथोस्फियर है, लिथोस्फीयर का पार्ट है प्लेट, प्लेट और कितनी प्लेटें हैं टोटल, वैसे बात करें तो छोटी तो बहुत सारी प्लेटें हैं, बड़ी प्लेटें मैं कह देती हूँ वो सात हैं बड़ी प्लेटें, तो ये है लिथोस्फीयर। अब एक बात ध्यान रखना, अब ये जो प्लेट है लिथोस्फीयर जो अलग अलग टुकड़ों में टूटा हुआ, उन्हीं टुकड़ों को तो हम प्लेट कह रहे हैं, तो ये जो लिथोस्फीयर है ये टूटा क्यों है, आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये टूटा क्यों है, टूटा क्यों है, ये टूटा क्यों है, ये जो हमारा लिथोस्फीयर अलग अलग प्लेटों में टूटा हुआ है क्यों टूटा है, तो ये टूटा है दो प्रकार के फोर्स हैं, कौन से, एक तो एंडोजेनेटिक और एक है एक्जियोजेनेटिक, कौन से, एंडोजेनेटिक, एंडोजेनेटिक और दूसरा है एक्जियोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक की बात करूं, एंडोजेनेटिक कौन से, जो अंदर से निकल रहे हैं, अंदर से पृथ्वी, अंदर से जो फोर्स लग रहा है, अंदर से फोर्स जो लग रहा है, आपको मैंने बताया कि मेंटल सेमी सॉलिड फॉर्म में है, और ये कैसा है, यहाँ पे मैग्मा भरा पड़ा है, गर्म मैग्मा भरा पड़ा है, और ये मैग्मा जो है ये बार बार दबाव लगा रहा है, इधर क्या है, संवहनीय धारा चल रही है, तो ये ऊपर की लेयर कैसी है, ठंडी है, ये गर्म है, यहाँ से यहाँ ये ठंडी है, तो गर्म से ठंडी की तरफ इस प्रकार से ये चलेंगी उष्मा की तरंग, तो ये अगर कहीं से थोड़ा सा दरार मिल गई, कहीं थोड़ा सा गैप मिल गया, तो वहां से ये मैग्मा बाहर निकल जाता है, अगर नई दरार मिली, कुछ नई इसको स्पेस मिला, तो वापस ऐसे आ जाएगा और फिर वापस से नीचे आ जाएगा, तो इस प्रकार से ये चक्रीय गति करता रहता है मैग्मा, कहाँ, तो मेंटल के अंदर ये चक्रीय गति करता रहता है, इस प्रकार से करता रहता है, तो ये एक्जो एंडोजेनेटिक कौन हो गया, तो मैग्मा फोर्स लगा रहा है, मैग्मा इसकी वजह से टूटी। एक्जोजेनेटिक की बात करूं तो बाहर से कौन, बाहर से सूर्य, बाहर से सूर्य, सूर्य का ताप, सूर्य की गति, सूर्य की उष्मा की वजह से, सूर्य की उष्मा की वजह से एक्जोजेनेटिक और एक्जोजेनेटिक फोर्स की वजह से ये जो हमारी प्लेट है ये टूट गई, काफी सारी छोटी प्लेटों में और सात बड़ी प्लेटों में, पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, इसी को क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। और पॉइंट एक ध्यान रखना यहाँ पे, ये हमारी क्रस्ट है, और क्रस्ट की अगर मैं मोटाई की बात करूं, क्रस्ट की बात करूं, तो ये महासागर है, यहाँ पे महासागर वाली जगह पे भूपर पट्टी कैसी होती है, पतली होती है, ये आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, और जो स्थल भाग है, लैंड एरिया है, यहाँ पे जैसे कि हमारे घर है, यहाँ पे पर्वत पठार है, तो यहाँ लिथोस्फीयर जो है ये कैसी होती है, ये मोटी होती है, यहाँ पे लिथोस्फीयर कैसी होती है, मोटी होती है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, जिस प्रकार से जिस प्रकार से ये मान लो एक कोई गिलास है, कोई बाल्टी है, कोई टप है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है पानी, और ये इसमें कोई आइस है, हम लोग देखते हैं हमेशा बर्फ क्या करती है, आइस क्या करती है, पानी के ऊपर तैरती है, आइस क्या करती है, पानी के ऊपर तैरती है, इसका छोटा सा रीजन क्या है, इसका छोटा सा रीजन क्या है कि बर्फ की डेंसिटी, बर्फ का जो घनत्व है किस पे डिपेंड, यहाँ पे ये बर्फ तैर रही है किसकी वजह से, घनत्व की वजह से, डेंसिटी की वजह से, डेंसिटी की वजह से, क्योंकि बर्फ की जो डेंसिटी है वो क्या है, पानी से कम है, इसलिए बर्फ कैसी है, हल्की है, और वो पानी के ऊपर तैर रही है। अगर कोई पूछ ले आपसे
ये बर्फ जो है इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व कितना है, तो वो है 0.97 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सीसी। ये इसका क्या है, ये इसका बर्फ का घनत्व है। इसके बाद अगर कोई पूछ ले वाटर का, जल का कितना होता है, जल का होता है 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी इसका क्या होता है, प्रति घन सेंटीमीटर, प्रति क्यूब सेंटीमीटर। सीसी क्या हो गया, क्यूब सेंटीमीटर, ध्यान रख लेना, प्रति क्यूब सेंटीमीटर, प्रति घन सेंटीमीटर। 1 ग्राम जल का होता है, बर्फ का 0.9, इसलिए बर्फ हल्की होती है और जल के ऊपर तैरती। इसी प्रकार से ये है लिथोस्फीयर और ये है एस्थेनोस्फीयर। जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर जो है ये कैसी है तो सॉलिड। लिथोस्फीयर कैसी है, लिथोस्फीयर की बात करूं, लिथोस्फीयर कैसी है, सोलिड, सोलिड है लिथोस्फीयर, सोलिड है। अगर बात करूं इसकी डेंसिटी की, इसके घनत्व की, इसकी डेंसिटी की बात करूं, तो इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर सीसी, 2.7 ग्राम पर सीसी। ये इसकी क्या है, लिथोस्फीयर की डेंसिटी है। अब बात करूं किसकी, एस्थेनोस्फीयर की, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर की बात करूं तो ये कैसा है, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में है, सेमी सॉलिड फॉर्म में है, सेमी सॉलिड फॉर्म में है। और इसके घनत्व की बात करूं तो इसका घनत्व कितना है, इसके घनत्व की बात करूं तो इसका घनत्व है 3 से 5 ग्राम पर सीसी, 3 से 5 ग्राम पर सीसी इसका क्या है, घनत्व है। ये कैसा है, तो एस्थेनोस्फीयर कैसा है, अगर बात करूं तो ये है भारी और ये है लिथोस्फीयर हल्का, क्योंकि इसका घनत्व कम है। तो इसलिए कहते हैं कि लिथोस्फीयर जो है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या कर रहा है, तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। इसलिए अभी आगे आएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी, लिथोस्फीयर जो है ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है, लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है। आपको ये बात समझ आई कि किस प्रकार से ये तैर रहा है, एक बारी अब तो कैसे बताओगे आप लोग, कमेंट में ही बताओगे, मैं तो भूल ही जा रही हूँ, कमेंट करके बता देना मुझे। कहीं भी कोई दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप बेझिझक कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट देखते ही आपका रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है, कमेंट कर देना जो भी आपको दिक्कत आए। तो यहाँ तक के पॉइंट में लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर किस प्रकार से लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रही है, वहां पे मैंने आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ये बताया था कि सियाल जो है वो सीमा के ऊपर तैर रहा था, फॉर्म बिल्कुल वही थी, बस कहने की बात अलग है, कह अलग तरीके से रहे हैं। तो आई होप आपको वो भी पॉइंट क्लियर हुआ होगा, यहाँ भी पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी नहीं हुए हो तो आप लोग बेझिझक आराम से पूछ ही सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जिसको भी कहीं भी कोई डाउट्स रह जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो पूछ सकता है। अब चलिए प्लेट देखते हैं कि प्लेट यहाँ पे कितनी है और कैसे है। चलिए प्लेट 6 कैसे हैं, 7 कैसे हैं, 8 कैसे हैं, बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ 7 प्लेट कैसे हैं, 7 प्लेट काउंट करते हैं, क्योंकि जब भी अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा तो 7 प्लेट ही दी होंगी ऑप्शन में, तो आप टिक कर देना, क्लिक कर देना। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, सबसे पहले बात करती हूँ किसकी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की। सबसे पहला हमारा हो जाएगी एक नॉर्थ अमेरिकन, सेकेंड साउथ अमेरिकन, दो सेकेंड साउथ अमेरिका, तीसरे नंबर की बात करूं तो अफ्रीकन प्लेट, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की यूरेशियन प्लेट, पांचवे नंबर की बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पांचवे नंबर की कौन सी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, छठे नंबर की बात करूं तो पैसिफिक
प्लेट, ये वाली पूरी प्लेट है, देख लेना, ये वाली जो प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये पूरी जो प्लेट है इसको मैंने काउंट किया है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में, ये पूरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। और ये है बच गई कौन सी, अंटार्कटिक प्लेट, ये सातवीं प्लेट, ये कौन सी हो गई, सातवीं प्लेट। तो सात बड़ी प्लेटों की संख्या मैंने आपके साथ शेयर की, काउंट कर दी है सात प्लेट। अब बात करते हैं छह कैसे हो जाती हैं और आठ कैसे हो जाती है। छह कैसे हो जाती है, छह हो जाती हैं जब ये जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और ये जो साउथ अमेरिकन प्लेट है, इस प्लेट को पूरी को एक प्लेट मान लिया जाता है, इस पूरी प्लेट को एक ही प्लेट मान लिया जाता है, कह दिया जाता है कि ये तो सिर्फ अमेरिकन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट। तो प्लेटों की संख्या हो जाती है छह, तो प्लेटों की संख्या छह हो जाती है। लेकिन अगर जब अलग अलग ही किया जाए तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट भी अलग, साउथ अमेरिकन प्लेट भी अलग, जैसे सात मैंने पहले काउंट करवा दी थी, आठ कैसे हो जाएंगी। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है पूरी की पूरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये वाली है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इससे इंडियन प्लेट को अलग कर देते हैं, इससे अगर इंडियन प्लेट को अलग कर देते हैं तो कितनी प्लेट हो जाएंगी, आठ प्लेट हो जाएंगी। कितनी प्लेट हो जाएंगी, आठ प्लेट हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना किस प्रकार से प्लेट है। और छोटी प्लेटों की अगर मैं बात करूं तो ये है फिलीपींस सी प्लेट, फिलीपींस प्लेट, ये है अरेबियन प्लेट, और ये है नजका प्लेट, ये है कोको प्लेट, ये है जुआंडी फुका, कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट ये प्लेट है। तो आप लोगों को थोड़ा सा इन छोटी प्लेट जो आपके लिए इंपोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं, ठीक है। यहाँ तक के पॉइंट में किसी को कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लोग बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो, ठीक है। यहाँ तक के पॉइंट में आई होप कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं थोड़ा सा इन प्लेटों के बारे में कि अटलांटिक प्लेट में क्या क्या शामिल। यहाँ पे एक बात ध्यान रख लेना, इसको इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे एक बात ध्यान रख लेना। सबसे एक प्लेट ऐसी है जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, ये वाटर से ही निर्मित है, ये महासागरीय प्लेट है। बाकी जितनी भी प्लेट है वो सभी के सभी महासागर और महाद्वीपीय प्लेट है, इनमें दोनों कंबाइन है। किस प्रकार से, तो ये आप यहाँ पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ देखना, जितनी भी प्लेट है उन सभी में भूखंड भी आ रहा है और जल भी आ रहा है, सभी में भूखंड भी आ रहा है, जल भी आ रहा है, भूखंड भी जल भी, भूखंड भी जल भी, भूखंड भी जल भी, बड़ी प्लेटों में। लेकिन पैसिफिक प्लेट ऐसी है ना जिसमें सिर्फ और सिर्फ महासागरीय प्लेट है, एकमात्र महासागरीय प्लेट है पैसिफिक प्लेट। तो थोड़ा ध्यान रख लेना, आगे यूज करूं तो कंफ्यूजन मत लाना अपने माइंड में, महासागरीय प्लेट है, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो अब कौन सी प्लेट में कौन कौन शामिल है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिएगा मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोगों के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं, आप लोगों को किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत ना आए। चलिएगा यहाँ पे देखना, सबसे पहले हम ले लेते हैं कौन सी प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको करवा ही रही हूँ तो बहुत अच्छे से ही करेंगी, इधर प्लेटें लिखूंगी और इधर लिखूंगी उसमें सम्मिलित भाग, उसमें कौन कौन से भाग शामिल है अंटार्कटिक प्लेट। और अंटार्कटिक प्लेट में एक तो अंटार्कटिक महाद्वीप शामिल है, क्या शामिल है, अंटार्कटिक महाद्वीप, महाद्वीप, अंटार्कटिक महाद्वीप शामिल है, और क्या शामिल है अंटार्कटिक महाद्वीप, और अंटार्कटिक के चारों ओर इसके अंटार्कटिक के चारों ओर, हालांकि आप समझ जाओगे लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा लिखवा देती हूँ इससे ज्यादा क्लियर हो जाए, अंटार्कटिक के चारों ओर, ये चारों ओर, चारों ओर
घेरती हुई महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट। इसके बाद सेकंड बात करूं तो इसके बाद कौन से, इसके बाद सेकंड प्लेट हम लोग देखते हैं उत्तरी अमेरिका प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट। उत्तरी अमेरिका प्लेट में एक तो उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी मैप देखोगे तो ध्यान रह ही जाएगा, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर, अटलांटिक जो एस आकृति का महासागर, अटलांटिक महासागर, महासागर प्लस में क्या है, उत्तर, उत्तर अमेरिकी महाद्वीप, अमेरिकी महाद्वीप, उत्तर अमेरिकी महाद्वीप। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करूं तो इसके बाद उत्तर अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट में क्या हो जाएगा, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप, अमेरिकी महाद्वीप, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिकी प्रशांत महासागरीय, जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, प्रशांत महासागरीय, इस प्लेट में सिर्फ और सिर्फ महासागर ही विद्यमान, प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय में सिर्फ और सिर्फ प्रशांत महासागर है, बाकी सभी में महाद्वीप और महासागर दोनों मिले हुए हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं, प्रशांत महासागर के बाद, प्रशांत महासागर के बाद मैंने एक और प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बताई है, ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में एक तो भारत शामिल है, भारत प्लस और कौन है, ऑस्ट्रेलिया, भारत ऑस्ट्रेलिया दोनों महाद्वीप शामिल है, कोई इशू नहीं है, और क्या शामिल है इसमें, हिंद महासागर भी शामिल है, इसमें क्या शामिल है, हिंद महासागर भी शामिल। इसके बाद इंडो अफ्रीकन प्लेट के बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्लेट की, अफ्रीकन के बाद, अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट में क्या, एक तो अफ्रीका महाद्वीप ही है, अफ्रीका महाद्वीप शामिल है, अफ्रीका महाद्वीप के अलावा पूर्वी अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, महासागर प्लस पश्चिमी हिंद महासागर, पश्चिमी हिंद महासागर, पश्चिमी हिंद महासागर, ध्यान रखोगे। अफ्रीकन प्लेट हो गई, कौन सी बच गई हमारी, चलिए कौन सी प्लेट हमारी बच गई अफ्रीकन के बाद, ये बच गई यूरेशियन प्लेट, कौन सी प्लेट बची है, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट में एक तो यूरोप, सबसे पहले तो यूरेशियन में यूरोप ही हो जाएगा, फिर एशिया हो जाएगा, यूरोप एशिया और पूर्वी अटलांटिक महासागर, पूर्वी अटलांटिक महासागर, महासागर। तो देखो अब ये इतनी प्लेट हमने देख ली, तीन तीन छह सात प्लेट मैंने आपको दिखा दी है अलग अलग, तो सातों प्लेट में कोई प्लेट ऐसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ महासागर हो या फिर महाद्वीप हो, सिर्फ और सिर्फ प्रशांत महासागर को छोड़ के इसमें क्या है, प्रशांत महासागर ही है, बस प्रशांत महासागर ही है। तो ये अच्छा कंसेप्ट है, अगर आप समझे हो, पढ़े हो अच्छे से तो आपको जरूर ध्यान रह जाएगा, वरना फिर आप लोग भूल जाओगे। तो लिख लेना इन सभी की सभी पॉइंट्स को, किसी भी पॉइंट्स में,
अगर आप लोगों को इन किसी भी पॉइंट्स में कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग बेझिझक आराम से पूछ ले सकते हैं मुझसे। तो ये हो गया, मेरा वेबकैम हो गया बंद, तो पता नहीं शायद दिक्कत आ गई है। अब पता नहीं क्लास चल भी रही है या नहीं चल रही है, क्लास हो गई है, रुक गई है, तो मुझे अब बंद ही करनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग। तो यहीं से मैं कंटिन्यू कर दूंगी। आप सभी लोग, साउंड आपको शायद क्लियर आ रही होगी, तो यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगी सेशन को। तो आप सभी लोगों को सेशन अगर अच्छा लगे, पसंद आए, तो फिर सेशन को आप लोग क्या कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और क्या कर देना, सब्सक्राइब कर लेना।